हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रब्बानी भारवी। आज हमारे साथ हैं स्पाई काली चैनल नुक्ता सर। आज हमें कुछ बताने वाले हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सर हमें ये बताइए, एफ एक्स जो एमजोन आता है 30% में, ये सबसे ज्यादा फर्क क्या करता है? इसका मेन काम जो है, जैसे कि आप जैसे धान में या गन्ने में अगर इस फसल में लगाते हैं तो नीचे जमीन में जितने लगने वाले कीड़े होते हैं, जैसे दीमक है, आपका लाल रेड थ्रेड है और आपका व्हाइट ग्रब है, इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि देखें कि ज्यादातर गन्ने में व्हाइट ग्रब का अटैक होता है और माइट का, टर्माइट का, तो ये दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे हम एक एकड़ में 500 सौ लगाते हैं जमीन में, खाद के साथ एक साथ मिला दो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वहां जो उसके अंडे होते हैं और उसके बच्चे होते हैं दोनों खत्म होते हैं। थैंक यू सर। और इसके साथ में हमें अगर काल के लाए तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? ये कालकिल, ये जैसे कि हमने बताया कि तिरंगा, तिरंगा क्या करता है, जमीन के नीचे के कीड़े मारता है। और ये जो है कालकिल जो आपने देख रहे हैं, कालकिल क्या करता है, जैसे इस समय ऊपर से गन्ने में अलिसुद बोरर आता है या धान में तना छेदक आता है या पत्ती लपेट आता है, अगर इसको आधा लीटर एक एकड़ में कालकिल को अगर प्रयोग करते हैं तो पत्ता लपेट और तना छेदक दोनों ही खत्म होते हैं। क्या सर हमें इन दोनों को यूरिया मिलाकर बखेर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप यूरिया मिला के लगाते हैं तो ये क्या करता है, जमीन के नीचे के जितने कीड़े हैं वो खत्म करता है और ये ऊपर तक चढ़ जाता है, ऊपर करता है। इसमें क्या फ्यूमिगेशन एक्शन होता है कालकिल में, तो ये क्या करता है, जैसे पत्ता लपेट होता है उसको भी खत्म कर देता है। और अगर सर हमको स्प्रे लगाए तो हमारी डोज क्या रहेगी धान में और गन्ने में क्या रहेगी? गन्ने में कम से कम 750 ml और धान में 500 ml जमीन में अगर स्प्रे करते हैं तो इसका डोज 400 ml हो जाता है और इसके डोज कम हो जाती है, क्योंकि ये जो है अपना अपने आप पर काफी पर्याप्त है। अब ये कम से कम दोनों मिला करेंगे तो 25 से 30 दिन तक कंट्रोल होता है कोई भी कीड़ा। ये क्या चीज है सर, इसके बारे में? हाँ देखिए, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये कालवेट है, ये सिलिकॉन बेस एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब किसी भी दवा में मिलाकर इसको लगाते हैं तो इससे क्या करता है, कालवेट ये दवा की क्षमता बढ़ा देता है, दवा की आप जो है ट्रांसलेशन इस पार से इस पार दवा पहुंचा देता है पत्तियों में और ये दवा ये पत्ते में फैला देता है। अगर आप कालवेट का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है कि आपका जो दवा है अगर 60% काम करती है तो 80% काम कर जाती है, 20-25% एक कालवेट लगाने से दवा की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे आज हमने सर से बात की जो स्काईलार कंपनी के काली चरण गुप्ता सर हैं, तो उन्होंने बताया कारगिल जिसके अंदर क्लोरोफाइसफोरस 50% प्लस साइबरमेथिन 5% ईसी फॉर्म में रहता है, और प्लस हमें तिरंगा के बारे में बताया जिसके अंदर थाइमोजन 30% एफएक्स फॉर्म में होता है, ये बहुत गाढ़ा आता है, ब्लू रेड कलर का निकलता है। तीसरी चीज हमें कार्बेट बताया जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर है, आप इन तीनों को मिलाकर जब यूज करेंगे बाकी में बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपके बारिश होने के बाद में भी दवा पूरा रिजल्ट देगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप यूज करें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा और कम कॉस्ट में आपका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।